सलमान खान की मूवी कभी ईद कभी दिवाली में नजर आने वाले हैं रामचरण। वेल आखिरकार सलमान खान ने अब कौन सी नई स्ट्रैटेजी प्लान कर ली है अपनी मूवी को सुपर डुपर हिट करने के लिए, चलिए पूरी अपडेट बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेल, जहाँ बॉलीवुड में बड़े बड़े सुपर स्टार्स की मूवी फ्लॉप हो चुकी है, तो अब अगला नंबर सलमान खान का ही है, क्योंकि इस बीच सलमान खान की कोई भी मूवी रिलीज नहीं हुई, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सलमान खान की मूवी जब रिलीज होगी तो सलमान खान भी ऐसे ही मुंह भर गिरेंगे। लेकिन सलमान खान कभी ईद कभी दिवाली मूवी को सुपर डुपर हिट बनाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो फैंस के अकॉर्डिंग हैं, जो फैंस पसंद करते हैं, और फैंस के टेस्ट में फ़िलहाल तो साउथ इंडस्ट्री ही छाया हुआ है। साउथ इंडस्ट्री की हर फिल्में बॉलीवुड फैंस को बेहद ज़्यादा पसंद आती हैं और कहीं ना कहीं फिल्में सुपर डुपर हिट भी हो जाती हैं। वह यही सारी चीज़ें सोचकर फाइनली सलमान खान और उनकी टीम ने डिसाइड किया है कि उनकी फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में एक सॉन्ग में कैमियो कर मतलब मेन कैमियो की तरह नज़र आने वाले हैं रामचरण। और रामचरण और साथ ही साथ सलमान खान की केमिस्ट्री इस सॉन्ग में दिखाई जाएगी, और कहीं ना कहीं रामचरण को देखने के लिए फैंस तो सलमान खान की मूवी कभी ईद कभी दिवाली ज़रूर देखेंगे। वेल, देखना बेहद ज़्यादा दिलचस्प होगा कि रामचरण अगर हामी भर देते हैं इस मूवी में एज अ कैमियो का रोल निभाने के लिए, एज अ सॉन्ग में पार्टिसिपेट करने के लिए, एज अ हीरो बनने के लिए सॉन्ग में, तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या सच में रामचरण की एंट्री कभी ईद कभी दिवाली मूवी को सुपर डुपर हिट बना पाती है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।